हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी आई होप कि सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा एक के विषय गणित के सप्ताह इक्कीस की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे जो कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई है बच्चों आपकी इस वर्कशीट का टॉपिक है मापन तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन है लंबी वस्तु पर सही का निशान लगाइए एक आपके लिए किया गया है तो बच्चों यहाँ पर पेंसिलें दी गई हैं तो इनमें बड़ी पेंसिल कौन सी है और छोटी कौन सी है तो बच्चों हमें बताना है कि जो बड़ी है उस पर सही का निशान लगाएंगे तो बच्चों जैसे कि ये उदाहरण है तो इसमें जो पीली पेंसिल है ये बड़ी है तो इस पर सही का निशान लगाया गया है अब ऐसे ही बच्चों हम बाकी करेंगे तो यहाँ पर क्या, क्या है ये है बच्चों गिटार तो इनमें बड़ा कौन सा है बच्चों ये जो है बड़ा गिटार है तो इसके सामने सही का निशान लगाएंगे नेक्स्ट यहाँ पर चम्मच ये है इनमें बड़ी कौन सी है तो बच्चों ये चम्मच जो है बड़ी है यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे नेक्स्ट बच्चों कैंची तो इनमें बच्चों कौन सी कैंची बड़ी है तो बच्चों ये बड़ी है तो यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर टू सबसे छोटी से सबसे बड़ी वस्तु के क्रम में संख्या लिखें तो बच्चों इनमें सबसे छोटी कौन सी है नंबर थ्री का जो स्केल है वो छोटी है थ्री लिखेंगे उससे बड़ी कौन सी है नंबर टू की यहाँ टू लिखेंगे और सबसे बड़ी है वन तो बच्चे यहाँ वन लिखेंगे नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर ये हथौड़ी है तो बच्चे इनमें सबसे छोटी कौन सी है नंबर थ्री की तो सबसे पहले नंबर थ्री लिखेंगे उससे बड़ी कौन सी है नंबर वन की तो बच्चे यहाँ वन लिखेंगे और सबसे बड़ी है टू तो यहाँ पर लिखेंगे टू नेक्स्ट बच्चों पेंसिल तो इनमें सबसे छोटी है नंबर टू की तो यहाँ पर लिखेंगे टू उससे बड़ी है नंबर थ्री तो यहाँ थ्री लिखेंगे नंबर वन है बच्चे यहाँ पर लिखेंगे वन अब है क्वेश्चन नंबर थ्री निम्न में से छोटी वस्तु Fields का चित्र बनाइए और उसमें रंग भरें तो बच्चे यहाँ पर मोमबत्ती है और यहाँ पर है दिया तो इनमें छोटी वस्तु कौन सी है दिया तो आप जो है इसका चित्र बनाएंगे और इसमें रंग भरेंगे यहाँ पर बच्चों बाल्टी है और यह है गिलास तो इनमें छोटा है गिलास तो गिलास में आप बनाकर रंग भरेंगे नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर ये यह इमारत है और यहाँ पर ये यह घर है तो इनमें छोटी वस्तु कौन सी है तो छोटी जो है बच्चों घर है तो आप इसमें इसकी पिक्चर बनाने के बाद कलर फिल करेंगे अब है क्वेश्चन नंबर फोर सबसे ऊंची वस्तु के डिब्बे में सही का निशान लगाइए तो बच्चों यहाँ पर बच्चे यह आदमी है उसके बाद ये लड़का है और फिर बच्चा है तो सबसे जो ऊंचा है लंबाई में ज़्यादा कौन है आदमी तो बच्चों आप इस पर सही का निशान लगाएंगे नेक्स्ट है यहाँ पर खरगोश है हिरन और ये जिराफ तो बच्चों सबसे ऊंचा कौन सा है जिराफ है तो यहाँ पर बच्चों सही का निशान लगाएंगे नंबर थ्री पर नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर ये यह बच्चों पौधा है ये सैपलिंग है और यहाँ पर बड़ा पौधा है तो थर्ड पर बच्चों आप सही का निशान लगाएंगे अब है जीवन कौशल आयु की गणना कक्षा एक आज कौन सी तारीख है लिखिए तो बच्चों कौन सी है तेईस ग्यारह दो हजार एक अपने परिवार के सदस्यों की जन्म तिथि का पता करें तथा तो तो सबकी आयु की, की गणना माता पिता की मदद से आज की तारीख तक करके तालिका बनाकर कॉपी में लिखें तो बच्चों यहाँ पर सभी आप अपने स्वयं की यहाँ पर पिता की या माँ की या बहन की भाई की जन्म तिथि लिखेंगे डेट ऑफ तो बर्थ और यहाँ पर बच्चों आज के दिन तक वे कितने साल के हो चुके हैं साल लिखेंगे वर्ष लिखेंगे हो गई तो बच्चों इसके लिए क्या करेंगे आप 2021 में से उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है उस सन को माइनस कर देंगे तो बच्चों जितना भी आंसर होगा उतने साल के आपके माता आपके पिता या भाई बहन जो भी है उनकी आयु होगी संस्कार साला छोटी छोटी पर बड़ी बातें सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है किसने कहा है राम प्रसाद बिस्मिल ने खाना पीना आज आप लेंगे खाने पीने में अंकुरित दालों से बने खाद्य पदार्थ आहार में शामिल करेंगे और उनका सेवन करेंगे गतिविधि स्वतंत्रता सेनानियों के नारों को उनके नाम सहित बोलकर अपने अध्यापक को वॉइस मैसेज भेजेंगे खेल खेल में आज आप क्या करेंगे परिवार के साथ शतरंज का खेल खेलेंगे दैनिक दिनचर्या निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें अपने दांतों को दिन में दो बार ब्रश करें प्रतिदिन स्नान करें खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं, अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें बच्चों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू